आप सभी बच्चों को मेरा आंतरिक जय गुरु। देखो आज हम लोग जो कुछ भी सीखने जा रहे हैं तो उसमें त्रिगोनोमेट्री का फार्मूला और इनवर्स त्रिगोनोमेट्री का फार्मूला, ये दो चीज़ का ज्ञान होना अति आवश्यक है, तब ये आप इस डिफरेंशिएशन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आपको हम पहले से भी आग्रह किया था कि इन सब चीज़ों को याद करके आप रखेंगे, बार बार लिखेंगे, जिससे आगे हम जो कुछ भी बताएंगे वो आपको समझ में आए। समझना आपको है, ये जिम्मेवारी भी आपकी है। हमारा काम था आपको जागरूक करना। आप लोग अगर हमारे बातों पर ध्यान दिए होंगे तो गारंटेड है आज जो कुछ भी समझाएंगे वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। हमारा ध्यान इस ओर भी है कि आप 11, 12 का एग्ज़ाम तो सिंपली निकाल ही लेंगे, कंपटीशन में भी जो सवाल पूछा जाता है तो किस ढंग से पूछता है, देखिए हम आपको अभी समझाने जा रहे हैं। उसमें इनवर्स त्रिगोनोमेट्रिक का जो कुछ भी डिफरेंशिएशन देता है तो उसमें रेंज कभी कभी चेंज कर देता है, तो अगर रेंज चेंज कर दे, इसका ओरिजिनल नहीं रहने दें, तो हम कैसे सवाल सोल्व करते हैं, किस प्रकार से इसको बना पाएंगे, इसी को अभी हम दिखलाने जा रहे हैं। ध्यान से आप देखिए, अब पहला क्वेश्चन हम दे रहा है जो डिफरेंशिएट, क्वेश्चन नंबर 1, ये कह रहा है डिफरेंशिएट, DIFFERENT TIATE डिफरेंशिएट। तो किसका डिफरेंशिएशन करें, तो साइन इनवर्स ये लिख दिया है 2x और रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे दे रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, W हो गया विथ, R हो गया रिस्पेक्ट, लेकिन लिखता क्या है इफ। अब यही ध्यान देने वाला बात है कि पहला शर्त दे रहा है, यह जो x का वैल्यू है ये कहता है हम अगर -1/√2 से बड़ा और 1/√2 से छोटा। दूसरा में दे रहा है जो x का मान -1/√2 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, और तीसरा रेंज दे रहा है कि -1 से बड़ा लेकिन -1/√2 से। तो आप NCERT का जब बुक देखेंगे तो सिर्फ यही नज़र आएगा, ये दो नहीं नज़र आएगा। तो ये दोनों रेंज जो है ये कंपटीशन के लिए है, और ये रेंज आपको 11, 12 का जब आप एग्जामिनेशन देंगे तो उसमें यही रेंज आपको मिलेगा। बुक में भी देखना यही रेंज दिया होगा NCERT के बुक में। तो देखो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो लिखे जो लेट y इज इक्वल, तो क्या सवाल दिए आप, तो साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x का मान रखो पुटिंग x इज इक्वल, तो मान लो हम लोग लिख दिए, मान लिए साइन थीटा, तो देयरफॉर थीटा किसके बराबर होगा,
तो ये हो गया साइन इनवर्स एम नाउ तो वाई इज इक्वल टू तो ये है साइन इनवर्स यहाँ लिख दिया टू एक्स रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स जिसको माने ये वैल्यू पुट कर दो तो ये हो गया साइन इनवर्स टू तो एक्स हो गया साइन थीटा और रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा तो दैट इज इक्वल टू तो ये हो गया साइन इनवर्स तो टू साइन थीटा आइन टू तो ये तो हो गया कॉस थीटा तो साइन टू ए हो गया टू साइन ए इन टू कॉस ए तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन टू थीटा अब साइन इनवर्स साइन टू थीटा इज इक्वल टू होगा टू थीटा कब तो जब यह जो टू थीटा का वैल्यू है ई तो साइन इनवर्स का रेंज क्या है तो माइनस में पाई बाई टू से ले करके प्लस में पाई बाई टू इसी रेंज में टू थीटा आना चाहिए अगर आ रहा है तो डायरेक्ट जवाब होगा नहीं आ रहा है तो अरेंज करना होगा तो अब देखो जब हम लोग यहाँ अरेंज करने जा रहे हैं ये साइन टू थीटा का वैल्यू इसके बीच में आया या नहीं लिखना नहीं ध्यान में रखना तो यहाँ देखिए पहला सवाल में देखिए सिंस ये दे रहा है कि एक्स का मान माइनस वन बाई रूट टू से बढ़ा लेकिन प्लस में वन बाई रूट टू से छोटा तो अब हमको ये बतलाएं ये जो एक्स क्या माने तो साइन थीटा तो साइन में वन बाई रूट टू किसका वैल्यू है तो माइनस 45 डिग्री तो यहाँ लिख दिए माइनस साइन ऑफ एंगल पाई बाई फोर यहाँ एक्स माने हैं साइन थीटा अब फिर यहाँ दे दिया वन बाई रूट टू ही तो ये हो गया साइन पाई बाई हम लोग पढ़े जो साइन ऑफ एंगल माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा तो ये हो गया माइनस पाई बाई फोर यहाँ हो गया लेस देन साइन थीटा और दिस इज लेस देन साइन पाई बाई फोर तो जब साइन सबसे हटाएंगे हो तो ये सूचना दे रहा जो थीटा का मान माइनस पाई बाई फोर से तो बड़ा है लेकिन पाई बाई फोर से छोटा है तो हमको क्या है ये टू थीटा है तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस पाई बाई टू ये हो गया टू थीटा और ये हो गया पाई बाई टू तो देखो टू थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से बड़ा पाई बाई टू से छोटा यही ओरिजिनल रेंज तो देयरफॉर लिखे जो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन टू थीटा टू थीटा क्योंकि रेंज में है ये हो गया टू थीटा और थीटा किसके बराबर है तो थीटा का वैल्यू आया साइन इनवर्स एक्स तब ये हो गया टू साइन इनवर्स एक्स अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो तो देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू तो हो गया टू कॉन्स्टेंट है बाहर छोड़ दो तो किसका डी सी निकाल दोगे तो साइन इनवर्स एक्स
तब तो हो गया टू साइन इनवर्स एक्स का डीसी का फार्मूला दिए जो वन बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तब तो ये हो गया टू बाय रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास जो एनसीईआरटी का बुक है उसके हिसाब से तो यही जवाब आ गया आपका आंसर। लेकिन अब ये रेंज अगर कंपटीशन इस सब में चेंज करेगा तो ई रेंज दे दे या ई रेंज दे तब कैसे बनाएंगे, अभी थोड़ा इस पर भी हम लोग विचार कर लेते हैं। सेकेंड वाला देखो, सिंस इसमें क्या दिया कि एक्स का मान वन बाई रूट टू से कहता है बड़ा हो लेकिन एक से छोटा हो, तो दैट इम्प्लाइज तो ये हो गया साइन ऑफ एंगल पाई बाई फोर, 45 डिग्री का मान वन बाई रूट टू, और एक्स हो गया साइन थीटा, आई वन हो गया साइन 90 डिग्री का वैल्यू, ये हो गया साइन पाई बाई टू, तो दैट इम्प्लाई तो साइन हटाते हैं तो ये दिखाई दिया कि थीटा का मान पाई बाई फोर से बड़ा है लेकिन पाई बाई टू से छोटा है, तो हमको तो टू थीटा चेक करना रहता है, तो ये हो गया पाई बाई टू से टू थीटा बड़ा और पाई से छोटा, उसे करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए हमको साइन इनवर्स का रेंज यहाँ से यहाँ है माइनस में पाई बाई टू, यहाँ तो है जीरो, यहाँ दिया पाई बाई टू, इतने बड़ा रेंज। तो अब ये जो सवाल दिया ये कहा पाई बाई टू से बड़ा और पाई से छोटा, तो हे यहाँ से यहाँ बता रहा है जो इसका रेंज है ही नहीं, रेंज से बाहर भाग गया, तो ऐसे फंक्शन बिना रेंज से हम लोग बाहर नहीं जा सकते, रेंज से बाहर जाएंगे तो वहाँ पर दिया गया फंक्शन वन वन ऑन टू नहीं होगा, इसलिए उसका इनवर्स से पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करूँ, रेंज में कैसे लाऊँ, तो इसके लिए माइनस कर दो, तो जैसे माइनस यहाँ लिखे कि टू तीन से बड़ा है और तीन से बड़ा चार है, लेकिन जब माइनस कर देंगे हो तो माइनस फोर सबसे छोटा हो जाएगा, माइनस थ्री उसके बीच में आ जाएगा, माइनस टू सबसे बड़ा हो जाता है, मतलब निगेटिव करने पर यह जो इनइक्वालिटी है यह चेंज हो जाता है, तो यहाँ से भी माइनस करेंगे तो चेंज कर लो, तो ये हो गया माइनस पाई, यहाँ हो गया माइनस टू थीटा और यहाँ हो गया माइनस पाई बाय टू। अब इसमें क्या करूँ कि पाई जोड़ सब में, तो पाई जोड़ देंगे तो ये हो गया जीरो, ये हो गया पाई माइनस टू थीटा और ये पाई जोड़ेंगे तो हो गया पाई बाई। तो अब देखे ये जीरो से लेके पाई बाई टू तक जो कि इसका रेंजे है, तो रेंजे में आ गया। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना है कि सिर्फ हम लोग रेंज ही पूरा लेंगे जोड़ घटा करके, ऐसा नहीं है, हमको क्या दिया हुआ है कि तो बाई बराबर लिखा हुआ था, जो बाई इज इक्वल टू क्या आया है तो साइन इनवर्स साइन टू थीटा, तो देयर फोर बाई इज इक्वल टू, तो हमको है साइन इनवर्स आ यहाँ लिखा साइन टू थीटा, तो यहाँ देखे जो टू थीटा ऊपर बताए जो रेंज में नहीं है, तो रेंज में लाए ई वाला वैल्यू,
तो ये लिख लो जो साइन इनवर्स, आ यहाँ ऐसे लिख दो जो साइन ऑफ एंगल पाई माइनस टू थीटा। आ हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि साइन पाई माइनस थीटा, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है तो इधर आ जाएगा साइन टू थीटा, तब तो अरेंज में भी आ गया। तो दैट इज इक्वल टू, तो ये बच गया पाई माइनस टू थीटा। तो दैट इम्प्लाइज तो पाई इज इक्वल टू पाई माइनस टू, और थीटा क्या है तो साइन इनवर्स एक्स। तो देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स, तो पाई तो कांस्टेंट है हो, तो इसका डीसी निकालेंगे तो हो जाएगा जीरो। आई टू कांस्टेंट है और साइन इनवर्स एक्स का डीसी निकालेंगे तो रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर आ गया माइनस टू बाय रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा जैसे दिया है इसको समझें, तीसरा हमसे ये पूछ रहा है कि अगर x का मान माइनस वन से बड़ा हो लेकिन माइनस वन बाई रूट टू से छोटा, तो दैट इम्प्लाई तो ये माइनस और वन हो गया साइन 90 डिग्री का वैल्यू, तो लिख लो साइन पाई बाई टू एक्स मानवे किए हो साइन थीटा, और ये माइनस साइन ऑफ एंगल पाई बाय फोर, साइन 45 हो गया वन बाई रूट टू। तो दैट इम्प्लाइज द साइन ऑफ एंगल, तो यहाँ लिख लें माइनस पाई बाय टू, यहाँ लिख लो साइन थीटा, और इसको लिख लो जो साइन ऑफ एंगल माइनस पाई बाय फोर। तो क्योंकि साइन ऑफ एंगल माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा। अब साइन सबसे अगर हटाते हैं तो थीटा का वैल्यू क्या नज़र आया, ये माइनस पाई बाय टू से तो बड़ा है लेकिन माइनस पाई बाय फोर से छोटा। अब साइन टू थीटा चाहिए तो टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया माइनस पाई टू थीटा, और ये माइनस पाई बाय टू। अब देखें जो हमको माइनस में पाई बाय टू तक रेंज ये है, यहाँ से इसी डायरेक्शन में अपोजिट मूव कर गया है और यहाँ तक आ गया माइनस पाई तक, जो कि रेंज में नहीं है। रेंज हम कहें यहाँ से लेके मात्र यहाँ तक है, तो अब इसको क्या करें, तो फिर इसमें पहले तो माइनस करो तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, तो माइनस करोगे तो ई माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस में पाई बाय टू, ये हो गया माइनस टू थीटा, और ये हो गया पाई। अभी भी ये रेंज में नहीं है, पाई बाय टू से इस डायरेक्शन में कटा है पाई तक है। अब समस्या ये है कि इस रेंज में आ गया तो ये भी तो इसका रेंज नहीं है, तो इससे पाई घटा के देखें हम लोग, तो पाई अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तो ई बचेगा कितना, तो माइनस में पाई बाय टू, ये हो गया माइनस पाई माइनस टू थीटा, और ई पाई में से पाई जाएगा तो हो जाएगा जीरो। तो अब देखें जो माइनस पाई बाय टू से जीरो अब ये रेंज में है, तो अब रेंज में है हम बार बार कह रहे हैं कि ये वैल्यू बैठाने के बाद ये साइन इनवर्स साइन टू थीटा जो आता है उसमें चेंजिंग नहीं आना चाहिए,
तो चूंकि यहाँ से देख के जो साइन ऑफ एंगल माइनस पाई और माइनस टू थीटा तो दैट इज इक्वल टू इसको लिख लो जो साइन, अब माइनस कॉमने ले लो तो ये कितना हो जाएगा पाई प्लस टू थीटा, और साइन का एंगल निगेटिव है कि माइनस हो गया साइन पाई प्लस टू थीटा। अब पाई तो ये लाइन है, इसमें जब आ जाएंगे तो टेन कॉट पॉजिटिव और सब निगेटिव, ये साइन का एंगल है तो निगेटिव वैल्यू दे देगा, तब ये हो गया माइनस, आई माइनस में आ गया साइन टू थीटा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस में देखो आ गया साइन टू थीटा। तब तो ये वैल्यू भी हमको ध्यान रखना है कि हम लोग ये रेंज चेंज करें तो यह जो वैल्यू आगे इस साइन टू थीटा के इक्वल ही है, कि माइनस में आ जाएगा तो जुलूम है, तब तो गड़बड़ हो गया। तो देयरफॉर तो वाई बराबर आपका क्या था, तो ये आया था साइन इनवर्स आई साइन टू थीटा। अब ये कहे जो टू थीटा चूंकि रेंज में है ही नहीं तो ये चेंज करके तो ये लिखना पड़ा, और ये दोनों वैल्यू साइन टू थीटा का ही है तो हर रेंज में भी है, तो इसके जगह पर यही लिख लेना कि साइन ऑफ एंगल माइनस पाई और माइनस टू थीटा, और साइन इनवर्स साइन थीटा तो हो गया थीटा, तो माइनस पाई और माइनस टू थीटा। अब थीटा का मान यहाँ से बैठा है, इम्प्लाइज वाई इज इक्वल तो हो गया माइनस पाई माइनस टू थीटा, क्या लिखाया है तो साइन इनवर्स तो देयरफॉर डी वाई बाई डी, अब इसी का डीसी निकालना तो फिर माइनस पाई का तो हो जाएगा कॉन्स्टेंट है जीरो, और टू साइन इनवर्स एक्स का डीसी तो रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये बच गया माइनस टू बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा देखें तो दूसरा इसमें पहला सवाल समझाने में चूंकि समय लगा है, दूसरा फिर से तो बना करके अगले दिन भेजेंगे, तत्काल इसको पढ़ने के बाद देखो तो अगला कुछ समझ में आ रहा है फिर अगला बनाएंगे, इसमें टाइम फर्स्ट पीरियड था और नया नया बात समझाना था तो कुछ ज़्यादा समय लग गया है, इसलिए वीडियो बड़ा नहीं बना रहे हैं, तो अगला बार फिर बना के भेजते हैं।